ध्यान मात्र आंखें मूंद लेना नहीं है, बल्कि बंद आंखों से देखना है। बंद आंखों से जो अंदर की दर्शन है उसकी गहराई में डुबकी लगानी है। ये कहें कि आंखें चर्म नेत्र तो बंद हो जाएं, लेकिन अंतर चक्षु खुल जाएं और जो विराट है उसके अंदर लय होने का हम अभ्यास कर सकें। चर्म नेत्रों को बंद किए बिना तो हम अपना रखा हुआ कुछ भी नहीं ढूंढ पाते हैं। घर में अगर आपने कुछ रखा है और आपको लगे कि कहाँ रखा है, तो आपको एक बार को आंख बंद करनी पड़ती है और तब जा कर के आप ध्यान के माध्यम से उसे छू पाते हैं। ओह अच्छा, वहाँ पर हमने इस चीज़ को रखा। तो इस तरह से जो अपने हाथ का रखा हुआ खोजने के लिए भी आपको चर्म नेत्र बंद करने पड़ते हैं, लेकिन चर्म नेत्र बंद करने के बाद जो अपना अंतः चेतना है उसके भीतर रमण करना और विराट में खो रहना, ये ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान की पराकाष्ठा सिर्फ नेत्र बंद करने तक या केवल मंत्र जपने तक नहीं है। मंत्र उसका साधन है, श्वास उसका साधन है और हमारे जो चक्र हैं ये उसका साधन है। इन साधनों के माध्यम से हम कहीं अपने खोए हुए स्वरूप को खोजने का जो एक, उसको हम प्रयास भी नहीं कह सकते, अभ्यास है। क्योंकि प्रयास में बल है, प्रयास में तनाव है, ध्यान में तो एक सहजता है। ध्यान में कोई कोशिश हो ही नहीं सकती है। जहाँ कोशिश है वहाँ तनाव है, जहाँ तनाव है वहाँ अशांति है। ध्यान एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे बीज को आप बोते हैं तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, एक प्रक्रिया अपनानी है। सही मौसम, सही समय, सही बीज, सही मिट्टी, सही रोशनी, सही नमी, बस ऐसा हुआ और चुपके से बीज को जो स्थापित कर दिया, फिर एक निश्चित समय बाद वही बीज धरती का सीना फाड़ करके बाहर आता है। अन्यथा अगर आप रोज़ भी उस बीज को निकाल करके देखते रहें तो बीज पौधा बनाया नहीं, वो कभी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल विरक्त भाव से जो निर्धारित अभ्यास है उसको करें। ध्यान घटित होता है और प्रकाश अवतरित होता है।